इन सितारों की तरह हसीन, बच्चों की मुस्कुराहट की तरह रोशन, माँ के मुकद्दस आंचल की तरह दिलकश और नमाजियों की तरह पुरनूर और गरीब की ख्वाहिश की तरह मुख्तसर मजमा मेरी निगाहों के सामने जो अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहा है। बला के बीच भी हासिल है राहतें कैसी, बला के बीच भी हासिल है राहतें कैसी, मेरे नबी की हुई है इनायतें कैसी। बला के बीच भी हासिल है राहतें कैसी, मेरे नबी की हुई है इनायतें कैसी। मैं क्या बताऊं कि उन पर दुरूद पढ़ते ही उतर गई है मेरे सर से आफतें कैसी। जरा बोले मचल कर सुभान। मैं क्या बताऊं कि उन पर दुरूद पढ़ते ही, आप भूल के क्या देख रहे हैं, ये ले लें आप, इसको लेकर बोलते सुभान अल्लाह, कम से कम सुभान अल्लाह तो बोलते रहे। बला के बीच भी हासिल है राहतें कैसी, मेरे नबी की हुई है इनायतें कैसी। मैं क्या बताऊं कि उन पर दुरूद पढ़ते ही, आप हैरत से इसलिए देखते होंगे कि नाज़िर रज़ा को भी ना मिल गया, क्या मतलब, ये लोग जानते हैं कि रंसूर को भी ना मिलता है। जरा अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक शेर में पढ़ दूं, ये मोहब्बतों की बातें हैं, मेरा अपना घर है, मेरा अपना गाँव है, वरना हकीकत यह है कि हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक के दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। उस बंदे खुददार पे नबियों का है साया, जो भूख में भी लुक्मे तर पर नहीं गिरता। उस बंदे खुददार पे नबियों का है साया, जो भूख में भी, और अपने हर लफ्ज का खुदाई ना हो जाऊंगा, असरार भाई आवाज बढ़ाएं, अपने हर लफ्ज का खुदाई ना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कब बड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा भी नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफला हो जाऊंगा। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफला हो जाऊंगा। बस एक शेर सुन लें, अभी तादुश शरिया की बात आई, मेरे भाई अनीस अख्तर साहब ने आखिर शेर बारगाहे ताजुश शरिया में पढ़ा। आपने देखा होगा, गए होंगे, जब हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हुआ तो लोग कमर कमर पानी में खड़े थे और दूर तक लाइन लगाकर खड़े थे कि एक झलक एक मेरे शेख की मुझे देखने को मिल जाती। उसी हवाले से कारी अब्दुल रहमान साहब ने एक शेर कहा था, अगर इजाजत हो तो सुना दूं, अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। फरमाते कारी अब्दुल रहमान अपने शेख की बारगाह के, मेरी जा सख्तियां झेली है तो पाया है तुझे, मेरी जा सख्तियां झेली है तो पाया है तुझे, एक नजर देख लूं तो दिल को करार आ जाए। मेरी जा सख्तियां झेली है तो पाया है तुझे, एक नजर देख लूं तो दिल को करार आ जाए, और तेरा फेरा हो मेरे सहने दिले पुरगम में, मेरी उजड़ी हुई खेती में बहार आ जाए। वहीं पर मुफ्ती अख्तर साहब ने कहा था कि ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, तेरे जाने से हुआ बेजान तन, ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, तेरे जाने से हुआ बेजान तन, और देखना पाई तासुब की नजर, वरना करता फख्र खुद भारत रतन, देखना पाई तासुब की नजर, वरना करता फख्र खुद भारत रतन। अब आइए हजरात, में बड़े अदब के साथ बड़े बड़े जलसों में कॉन्फ्रेंसों में जाने वाला बहुत ही अजीम लहजा है शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना हजरत मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब को आवाज देते हैं, खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ग़ौसिया, मसलके आला हजरत फैजाने शाह जी, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन गुजरे हैं जिन प्यास के जजीरों से, समंदरों के वहां होंठ सूख जाते हैं। नारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा 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 करूं
खुदा का नजारा करूं मैं के हबीबे खुदा मसलके आला हजरत कलामे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और शेर समाप्त फरमाए कि ये एक जान क्या है अगर वो करो लो ये के जान क्या है पर सबको वारा करूं मैं तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं हबीब बेखुदा का नजारा करूं मैं। और ये शेर भी बतौर खास पेश कर रहा हूँ। मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे या रसूल अल्लाह तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे तेरे दर के होते प्यारे के तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे कहाँ अपना दामन पसारा करूं मैं कहाँ अपना दामन पसारा करूं मैं हबीब बेखुदा का नजारा करूं मैं। एक शेर और पेश कर रहा हूँ। अब ये शेर तब पढ़ूंगा जब सब मिलकर बोलेंगे सुभान अल्लाह और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। कि मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे मेरा दीनो पूछे मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं हबीब बेखुदा का नजारा करूं मैं। और आखिरी शेर
मैं भी वो दुआ करता हूँ, आप भी इस दुआ में शामिल हो जाएं। बहुत काम की दुआ है। समाज फरमाए के खुदा ऐसी कुवत दे मेरे कलम में, खुदा ऐसी कुवत दे मेरी ज़बान में। वो कलम से काम लिया करते थे, हम जबान के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा ऐसी कुवत दे मेरी ज़बान में, खुदा ऐसी कुवत दे मेरी ज़बान में, खुदा ऐसी कुवत के पते मजहबों को सुधारा करूं मैं, के पते मजहबों को सुधारा करूं मैं, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं। मक्ते का शेर दुआओं के साथ पेश कर रहा हूँ, बारगाह रिसालत में ये शेर मकबूल है, पेश करता हूँ। समाज फरमाए हबीब खुदा का नजारा करूँ मैं, खुदा खैर से ला वो दिल भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिल भी नूरी, खुदा खैर से गलियां बोहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बोहारा करूं मैं, हबीब बेखुदा का नजारा।